लेकिन बुलडोजर आपके जमाने में, में जब आप महाराष्ट्र में थे तब भी चलता था और आपके डिपार्टमेंट भी बहुत चलाता था मैं तो चलाता हूँ आप कभी नागपुर आएंगे तो चांदनी चौक रोड थे घर तोड़ने से पब्लिक सपोर्ट ज्यादा मिलता है अच्छा। <laughs> कोई ऐसा घर आपने तोड़ा हो जिसमें आपको नुकसान पड़ गया हो पर्सनल सासरे का घर तोड़ा था आपने अपना ससुराल हाँ ससुराल तोड़ दिया आपने तोड़ मैं वाला एक नई थी अधिकारी आई ऑफिसर थी आजकल वो भारत सरकार में राधा करके थी रामटेक में थी तो मैंने कहा चुने की रेशा तोड़ो लखो और जो पार्टी फार्टी कोई होगा तोड़ डालो सबको तोड़ गया तो उन्होंने आपको बताया था कि आपका आपका ससुराल का घर है जो है वो तोड़ने बताया मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा कि चुने की रेशा डालो और जो अंदर आता है उसको तोड़ दो <laughs> अभी मैं यहाँ गया था ना ये दिल्ली मुंबई हाईवे तो अपने राव इंदरजीत सिंह हैं इनके ससुर का घर था वो जो सोना के पहले तो बीच में अधिकारी आए मेरे पास तो मैंने उनको फोन किया उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने अपने उनको समझाया और उनका भी घर तोड़ा और रोड बड़ा किया हम उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कोई जो रोड के बीच में आता है मेरी स्ट्रक्चर है चिंता नहीं करना तोड़ डाल कई लोगों को तो ससुराल का तोड़ने में मजा भी आता है नहीं <laughs> नहीं वैसी मजा लेने के लिए मैंने नहीं किया था तो मुझे मेरे पत्नी ने कहा था कि आप पहले बोल देते तो हम तोड़ देते आपने बताया तक नहीं ऐसा तो घर कैसे आप डरते हुए गए उस दिन नहीं <laughs> उसका भी समझ आया कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कोई मैंने किसी का घर द्वेष भावना से नहीं तोड़ता अब रोड बड़ा बन गया तो लोग खुश हो गए अब दे अभी ये जो रोड बना है जो नया नया जो पानीपत के बाद आता है इसमें चार हजार घर थे अब जरूर एक बार अभी उसको देखने के लिए जाइए मुझे भी पता नहीं था कि वो सीधे रोड से आकर यहाँ दो घंटा सवा दो घंटा लगता था और जब मुझे परवेश वर्मा ने कहा कि मैं बीस मिनट में पहुंचता तो हूँ रोड पूरा देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई क्यों लोगों को चक्कर काट के जाना पड़ता था ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो यानी जो ये भारत जोड़ने का काम आप सड़कों से कर रहे हैं और जो सड़कों पर चल के जो भारत जोड़ रहे हैं उनको क्या कहेंगे देखिए हमारा देश जो है मैं अपने मुंबई में जब मंत्री था तो मुझे वर्ली बांद्रा सेलिंग प्रोजेक्ट 55 फाइव मुंबई पुना एक्सप्रेस हाईवे ये सब बनाने का मौका मिला तो मुझे एक इंजीनियर ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक सेंटेंस दिया था जो मैंने हम रख लिया और फिर अपने ऑफिस में लगा और यहाँ भी लगाया उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रीच बट अमेरिका इज रीच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड अभी ये जो रोड की मैंने बात की उसके आजू बाजू में सोनीपत और पानीपत के उधर जो लिंकिंग रोड बना रहे हैं वो एक्चुअल रोड 35 किलोमीटर है और जोड़ने वाले रोड और करीब 40-45 किलोमीटर हम बना रहे हैं तो छहत्तर किलोमीटर का काम है तो वहाँ की लैंड रेट अभी तीन गुना बढ़ गई चार गुना बढ़ गई और वहाँ के किसानों को एक एक प्रकार से नए उस रोड बनने से वहाँ की डेवलपमेंट शुरू हुई अब मुझे सब एम बता रहे थे कि अब नई दिल्ली जो है वो उस साइड में लोग अभी घर ले रहे हैं और वहाँ एक्स्टेब्लिश होंगे क्योंकि बीस मिनट में एयरपोर्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं रोड बनने से प्रगति होती है विकास होता है रोड ये एक प्रोग्रेस विकास का मार्ग है और उससे नए रोजगार निर्माण होते हैं इंडस्ट्री आती है लॉजिस्टिक पार्क बनते हैं स्मार्ट शहर बनते हैं इससे धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से ही धीरे से गरीबी दूर होती है तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित रूप से सबको मिलेगा ये एम्प्लॉयमेंट